जित की गल करिए जीतपाल सिंह कोहली इतों जितते ने कैप्टन अमरिंदर सिंह हरा के। एक समा से 1997 तो 2002 तो उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहें हल्का नहीं किला सी, तो हूँ 2022 के फिर एक बार तोड़िया जेकर किला तो वह कोहली परिवार ने तोड़िया। वो जो है शाही परिवार से साडा परिवार सेवादार परिवार है, उन्हें बड़ियाले की कोई सेवा नहीं की। शुरू में ही पता सी लोग बदला चाहते सी, अकाली दल और कांग्रेस ने आपस मिलजुल के राज किया है। एक बारी अकाली आ जाते जी, दो बारी कांग्रेस आ जाते, दो बारी अकाली आ जाते जी। एग्जिट पोल की गल करिए विरोधी पार्टियां कहती सी कि नतीजे विरुद्ध च आने, मतलब यह जे नहीं आने जे जे एग्जिट पोल दिखा रहे थे। किसी ने 80 सीटा दिखाई, किसी ने 100 सीटा दिखाई, पर जेकर हुण रुझानां की गल करिए 90 तो उपर भी आम आदमी पार्टी को सीटा मिल रही ने। इन्होंने पंजाब नूं लुटिया कुटिया और पंजाब नूं गिरवी रखता है, लोन लै लै के कर्जे लै लै के पंजाब का जिन्ना पैसा इन्होंने लुटिया शायद इन्ना पैसा संसार दे विच किसी पार्टी ने लुटिया। केजरीवाल साहब की अगवाई दे विच और भगवंत मान दे इत्थे मुख्यमंत्री लीडरशिप दे विच पंजाब बहुत तरक्की करेगा। रोजाना स्पोक्समैन तुसीं देख रहे हो ते मैं आ तुहाडे नाल जगविंदर सिंह। अज पंजाब दीआं विधानसभा चोणां दे नतीजे सी ते इस वेले असीं पटियाला दे विच मौजूद हाँ क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह दी हार हुई है। तो उत्थे ही जेकर जित दी गल करिए जीतपाल सिंह कोहली इत्थों जितते ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं हरा के। इस वेले साडे नाल उन्हां दे पिता सुरजीत सिंह कोहली मौजूद ने, उन्हां दे नाल गलबात करांगे। कोहली साहब पहलां तां बहुत बहुत मुबारकां। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद जिहड़ा तुसीं मैनूं अपने चैनल राहीं लोकां दे रूबरू करा रहे हो, मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी दिलों। कोहली साहब किवें देखते हो क्योंकि एक समा से 1997 तो 2002 तो उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहें हल्का नहीं किला सी, तो हूँ 2022 के फिर एक बार तोड़िया जेकर किला तो वह कोहली परिवार ने तोड़िया। कोई किला नहीं सी, वो जो शाही परिवार से साडा परिवार सेवादार परिवार है, उन्हें पटियाले की कोई सेवा नहीं की। पटियाले लोगों वोटा लैके गुमराह किया, लोगों जोड़ा कभी मिले नहीं, कभी लोगों के काम नहीं किए, कभी लोगों से आप विचरिया नहीं है, किसी के दुख सुख ही नहीं गया। साडा परिवार 1957 तो श्रोमणी अकाली दल नाल रहा और असी मेरे पिता जी कौंसलर भी रहे हैं, MLA रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, दोबारा MLA बने हैं, मैं भी कौंसलर रहा और मैं मिनिस्टर मिलने का मौका गुरु महाराज की कृपा ना मिले और मेरा बेटा बेटा जो है वो कौंसलर रहा और मैं रहा। साढ़े दरवाजे 24 घंटे इस परिवार के लोगों की सेवा ली हाजिर, क्योंकि साढ़े कोई ऐसी डिग्री नहीं है जिस ना असी इन अहद्या पहुँच सकी। ये लोगों की वोटर की कृपा द्वारा ही लोग सन चुनते हैं, माण बख्शते हैं, सत्कार देंगे। साडा फर्ज और धर्म बनता है लोगों की मनुखता की सेवा करिए और पटियाले शहर की डेवलपमेंट करिए, पंजाब की तरक्की वाल अगे बधाइए। पंजाब कोहली साहब जिस तरीके के नतीजे आए हैं, जेकर इस तो पहले एग्जिट पोल की गल करिए विरोधी पार्टियां कहती सी कि नतीजे विरुद्ध च आने, मतलब यह जे नहीं आने जे जे एग्जिट पोल दिखा रहे थे। किसी ने 80 सीटा दिखाई, किसी ने 100 सीटा दिखाई, पर जेकर हुण रुझानां की गल करिए 90 तो उपर भी आम आदमी पार्टी को सीटा मिल रही ने। सोचा सी कि इन्ना प्यार मिलेगा, विश्वास से ये जरा शुरू में ही पता सी लोग बदला चाहते सी, अकाली दल और कांग्रेस ने आपस मिलजुल के राज किया है। एक बारी अकाली आ जाते जी, दो बारी कांग्रेस आ जाते, दो बारी अकाली आ जाते, एक बारी कांग्रेस आ जाते जी। इन्होंने पंजाब नूं लुटिया कुटिया और पंजाब नूं गिरवी रखता है, लोन लै लै के कर्जे लै लै के पंजाब का जिन्ना पैसा इन्होंने लुटिया शायद इन्ना पैसा संसार दे विच किसी पार्टी ने लुटिया। कोहली साहब तुसीं बदलाव का जिक्र किया, जो 20 फरवरी तो पहले असीं लोगों के जाते सी तो वह कहते कि बदलाव आना चाहिए पंजाब दे विच, जिहड़े लोग ने पंजाब की आवाम जनता बदलाव लेके आई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 बार जितते सी, हुण जीतपाल सिंह कोहली नूं इत्थों जेतू जिताया पंजाब की जनता ने। हुण तुहानूं लगता है कि जिस तरीके का पंजाब के लोग बदलाव लेके आए हैं, फिर हुण उम्मीदवार भी लेके आउणगे पंजाब दे विच? बिल्कुल, केजरीवाल साहब की अगवाई दे विच और भगवंत मान दे इत्थे मुख्यमंत्री लीडरशिप दे विच पंजाब बहुत तरक्की करेगा, पर क्योंकि लोगों ने दोनों पार्टियां जमा के देख लिया सीगियां, हुण केजरीवाल दे लोगों ने विश्वास प्रगट किया और पूरे तन मन धन दे नाल जिहड़ा पंजाब की सरकार जो नवी बनेगी वो लोगों की सेवा करेगी और विकास वाल अगे लैके जाएगी पंजाब। मुंडा भी बहुत तजर्बा रहा, जेकर मैं सियासत की गल करा मेरा आखिरी सवाल भी 1997 तो लेके 2002 तक वो एक समा सी कि उस तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का ही राज चलिया, पर जेकर हुण गल करिए 4 साल जिहड़ियां चोणां जितते ने 2022 दे विच फिर वो शख्स जिहड़ा कह लईए उम्मीदवार सी कोहली परिवार दे विचों उठिया पटियाला दे विच अगे निकल के आया,
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਆਏ ਆ ਪਟਿਆਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਕੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਲਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਪਟਿਆਲਾ।